लड़के के साथ दृश्य वाले। लड़का तो मैं भी हूँ, तुमसे शादी करेगा? क्यों पागल है? वेजिटेरियन। तुम्हारा पप पागल है? हाँ पता है। सुबह सुबह सोया करो, शाम में बात करेंगे। शाम तक वेट ही करो, मैं शादी करके चली जाऊंगी, तुम वेट ही करो। क्या तुम्हारे लिए ना, सुबह सुबह मुझे बताने यहाँ पे ये आई हो कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, ये तुम मुझे फोन पे बता देती, यहाँ आके मेरी नींद बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? इधर मेरा शादी फिक्स हुई है, ये नहीं तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है इसलिए तुम्हें फोन ही नहीं उठा रहा है। किधर थे तुम? इतना टाइम कॉल किया नहीं आए, सो गए अभी अभी तक? कितने लेट तक सोते हो यार? क्या यार, तुम सुबह सुबह आ गई हो, सोने दिया करो। उठो, कितने सोते हो यार, तुम्हें सोने के पड़े, मेरे इधर शादी फिक्स हुई है। शाम तक वेट ही करो तुम, मैं शादी करके चली जाऊंगी, तुम वेट ही करो। क्या? मैं जा रही हूँ शादी करके। शादी इधर कर रही हो तुम? आज मान के फिक्स किया जाएगी। लड़के के साथ दूसरे वाले? लड़का तो मैं भी हूँ, दूसरे वाले डैडी ने फिक्स किया है सब कुछ। क्यों तुम्हारा पाप पागल है? नहीं, उसको ये इतना खूबसूरत लड़का नहीं, तुम नहीं आते ना मेरे डैडी के सामने। क्यों आऊँ, अभी तो लाइफ चल रही है, अभी तो दुबई में आया हूँ, अभी तो पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। कितने टाइम तक? अभी दुबई आए टाइम इतना होगा, 2 साल। तुम्हें वेट नहीं कर सकते ना डैडी, वेट नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते तुम्हारे डैडी वेट? नहीं क्या है, मेरा शादी फिक्स ऑलरेडी हुआ है, मैं शादी करके जा रही हूँ। किधर है तुम्हारा शादी? आजमान पे। इतना दूर शादी कौन करेगा? आजमान कैसे आऊंगा मैं, अभी तो मेरे पास कराया नहीं है इधर से बुर्ज खलीफा जाने का। तुम्हारे साथ शादी थोड़े फिक्स हुआ है मेरा। हाँ, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? क्यों आना है? मैं आऊंगा ना तुम्हारी शादी में। देखो दोस्तों को इन्वाइट तो करते है ना, फिर तुमको मैं इनवाइट नहीं कर रही। तुमने वो मूवी नहीं देखी? कौन सी? जिसमें वो दूल्हा भाग जाता है, तुम्हारा दूल्हा भी भाग जाएगा। क्यों? कौन करेगा तुमसे शादी? नहीं, मेरा दूल्हा नहीं भागेगा। क्यों पागल है वो? तुमसे शादी करेगा, लाइफ बर्बाद करने वाला इसका दूल्हा, इससे शादी करेगा? नहीं। हाँ इसलिए तुम शादी नहीं कर रही हो मेरे साथ? ऐसा नहीं है, मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ, अभी तो मैं चीजें बना रहा हूँ, अभी तो मैं जॉब सर्चिंग पे हूँ, तुम्हें पता है ना पूरा खर्चा कौन उठाता है मेरा। तो कितने दिन तक वेट करते रहूं? अभी 2 साल, 2-3 साल। नहीं कर सकती, मेरे डैडी ने फिक्स किया है, मैं नहीं कर सकती, छोड़ो नहीं कर सकती। तुम्हें पता है अजमान कितनी दूर है यहाँ से? हाँ पता है। टैक्सी का किराया बढ़ गया है, 20 दिरहम से स्टार्ट हो गया टैक्सी का किराया, तो पहले 5 दिरहम से स्टार्ट था। तो तुम आओगे टैक्सी पे मेरे शादी में? तो कैसे आऊंगा, और मैं बस तो जाती नहीं है अजमान यहाँ से। क्यों हो रहे? वो रात को, पता है रात को 32 रुपए से टैक्सी स्टार्ट होगा वापस आने के लिए। तो थोड़ी मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। 32 दिरहम? हाँ। और तुम लोग पता नहीं क्या बनाओगे, वही वेज वुज, हर चीज वेज में, पकोड़े वेज के, गोभी के पकोड़े। हाँ। नॉन वेज तो बनाओगे? हम वही खाते हैं तो। चिकन मिर्ची? हम नहीं खाते। क्यों क्यों नहीं खाते, क्या प्रॉब्लम है? हम वेजिटेरियन। तुम नॉन वेज बनाओ, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। तुम्हारे लिए ना, तुम सुबह सुबह मुझे बताने यहाँ पे ये आई हो कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, ये तुम मुझे फोन पे बता देती, यहाँ आके मेरी नींद बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तुम्हारा नींद का परी है। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। नहीं हुआ तो मेरी नींद बर्बाद कर दी, ऊपर से तुम लोग वेज नहीं पका, नॉन वेज नहीं बना सकते हो, ऊपर से जमान में शादी कर ली, किधर से लाऊंगा मैं इतना पैसा?
तुम्हें आसमान की पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन का पड़ी है, टैक्सी का 32 CM की पड़ी है, इधर मेरा शादी फिक्स हुई है, ये नहीं तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हें